क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई कायराना हरकत पर क्रिकेट जगत में भी उबाल है और यहां तक कि दिग्गजों ने तो इसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ही आड़े हाथों ले लिया और जमकर खरी खोटी सुना दी। गंभीर, सहवाग, यहां तक कि लक्ष्मण भी पीछे नहीं रहे। तो आपको बताते हैं आखिर किसने क्या कहा। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कड़ा रुख दिखाया और कहा कि अब बातचीत किसी मेज पर नहीं बल्कि जंग के मैदान में हो। उन्होंने कहा कि बड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है और क्रिकेट को तो अब पाकिस्तान को भूल ही जाना चाहिए। वही पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, इस कायराना हरकत पर मैं दुखी हूं और मेरे पास शब्द नहीं है। जो लोग भारत के साथ क्रिकेट खेलने की बात करते हैं अब वो अपना मुंह पूरी तरह से सिल लें। पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मण ने भी लिखा, हमारे बहादुर सीआरपीएफ जवानों पर इस हरकत की खबर सुनकर मैं बेहद दुखी और विचलित हूँ, अब और आगे नहीं हो सकता। यही नहीं, भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर शिखर धवन ने ट्वीट कर कहा, खबर सुनकर मैं काफी दुखी और परेशान हूँ, मेरी संवेदनाएं जवानों के परिवारों के साथ हैं। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैब ने लिखा, जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कायर जल्दी पकड़े जाएंगे और इस पूरे देश को असल मायनों में सबक सिखाना ही होगा। तो आप भी इस पर कमेंट जरूर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।